बीते लगभग 2 महीनों से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। इसके बावजूद कोरोना वायरस की नई लहर ने हमारे देश में दस्तक दे दी है। एक ओर जहां सरकार कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है जो सरकार और देश दोनों को परेशानी में डाल सकता है। ये नया वेरिएंट है डबल म्यूटेंट। आज इस वीडियो में बात इसी डबल म्यूटेंट की होगी, मगर इस वेरिएंट को लेकर एक जानकारी ये सामने आई है कि कोरोना का ये प्रकार बहुत तेजी से फैलता है, यानी ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। साथ ही यह शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को भी खत्म कर सकता है। यह नया वेरिएंट शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र से बचकर बॉडी में संक्रामकता के स्तर को बहुत ऊपर पहुंचा देता है। हालांकि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि देश में बढ़ रहा संक्रमण कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से ही है या नहीं। दरअसल में ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से न सिर्फ बच सकता है बल्कि ये शरीर में तेजी से संक्रमण भी फैलाता है। ये वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें वायरस के ही एक रूप में 2 बदलाव हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन में बदलाव के चलते इसकी संक्रमण फैलाने की संख्या में इजाफा हुआ है और इसके रूप में हुए बदलाव के चलते यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में भी सफल रहता है। बता दें कि इस नए वेरिएंट के पता चलने के बाद देश भर के वैज्ञानिक अब इस नए वेरिएंट का अध्ययन करने में लग गए हैं और वो जल्द ही इस वेरिएंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लग गए हैं। यूं तो किसी भी वायरस में लगातार बदलाव होता ही रहता है। वायरस अपना रूप बदलकर अपनी आंतरिक संरचना में बदलाव करता रहता है। दरअसल में कोई भी वायरस जब अपना रूप बदलता है तो वह पूरा नहीं होता, उसके कुछ न कुछ घटक छूट ही जाते हैं और इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। जब उस म्यूटेशन का इंसानों पर असर होता है तो उसे वेरिएंट कहा जाता है। बता दें कि कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अन्य 16 देशों में भी पाया गया है, जिनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क आदि देश शामिल हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे चोला राम जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हाँ, मास्क जरूर लगाएं। शुक्रिया। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।